हर हर महादेव। तो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार और हर हर महादेव। हर हर महादेव कहने का मतलब क्यों बोल रहे हैं आपको पता है कि हम लोग अभी दुबे बाबा के स्थान के प्रांगण में हैं और ये दुबे बाबा हमारे हैं डकाई के। अगर आप लोग नहीं जानते हैं ये डकाई कहाँ पे है और इस मंदिर की क्या खासियत है और क्या कुछ है, वो सारी चीज़ मैं आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले एक झलक आप इस मंदिर के पूरे चारों तरफ को देख लीजिए, फिर मैं एक एक करके आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिए तो आपको पता ही चल गया होगा कैसा है मंदिर। तो अभी हम लोग ये जहाँ पे बैठे हैं ये बजरंगबली का मंदिर है और इसी दुबे बाबा के स्थान के प्रांगण में ही आते हैं। तो यहाँ के कुछ खासियत है, जैसे कि मैंने जब यहाँ पे आया तो पूरे चारों तरफ से ये जो प्लास्टर किया हुआ है, नीचे जो फर्श बनाया गया है उसके अंदर विदाउट चप्पल का आना होगा पहली। दूसरी बात, अगर आप बाबा मंदिर इस मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो बिना खाए, मतलब चाय पिए हैं तो चल जाएगा लेकिन खा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मुझे भी अंदर प्रवेश नहीं दिया है, सिर्फ हम मंदिर के जो बाहर में बहुत बोल सकते हैं प्रे करने बाद कि थोड़ा सा दीजिए वीडियो बनाने के लिए, तो हम वो के ब्रांडर से ही वीडियो बनाने के लिए हमको दिया गया। तो चलिए थोड़ी सी मैं इस मंदिर की थोड़ी सी कहानी पंडित जी से जानते हैं और हम दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं डकाय दुबे बाबा मंदिर में। तो अभी हमारे पास पंडित जी हैं, पूरा बताएंगे यहाँ के पुजारी हैं कि क्या है कहानी इस मंदिर के। तो सबसे पहले तो प्रणाम बाबा जी, और इस मंदिर के बारे में बताइए जी। यहाँ पर सरावीन में पूजा होती है लास्ट सोमवार को और प्रत्येक सोमवार को भीड़ रहती है यहाँ। पूजा दूध जनेऊ सुपारी सब चढ़ाते हैं, ब्राह्मण भोजन भी होता है यहाँ पर। बैसाख में भी अधिक भीड़ रहती है। इधर आओ इधर आओ। और पाठा बलि भी सावन पूजा में होती है, सिर्फ एक ही बार होती है साल में। बहुत भीड़ लगता है, बहुत भीड़, हाँ बृहद भीड़ रहती है। बैठो बैठो ना, बृहद भीड़ रहती है, श्रद्धालु पूजा करने आते हैं दूर दूर से, कलकत्ता से, रांची से, पटना, धनबाद, दुमका, देवघर, जितना इधर अगल बगल जितना है आते रहते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने पंडित जी की बात तो सुनी ली है, क्या क्या कुछ बताएं। और अभी हम लोग आम के पेड़ हैं उसके नीचे बैठे हैं, बहुत ठंडा फील हो रहा है और अच्छा फील हो रहा है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हवन कुंड, जो कि यहाँ के हवन कुंड है जहाँ पर बलि वगैरह चढ़ता है, वो हम आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक झलक हवन कुंड को देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका एड्रेस कहाँ पे है। तो आपको आना है बोल सकते हैं सारा माँ
और शारामा से आपको लगभग 7 या 8 किलोमीटर दूरी पे है ये मंदिर डका है। तो सबसे पहले हम लोगों कहाँ पे पहुँचे थे, उस जगह का क्या नाम था, मनीगढ़ी। अब सारामा से आ जाइए किसी से मनीगढ़ी, और मनीगढ़ी से ही बाएं में एक कच्ची रास्ता जाएगा, और थोड़ी देर आगे जाने के बाद आपको पक्की भी मिलेगा, उस पर चले आइएगा लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास, तो फिर आपको ये मंदिर मिलेगा। और ये मंदिर एक बार ज़रूर आइएगा, अगर देखभाल पूजा करने के लिए आते हैं तो ये भी मंदिर में आइएगा। हाँ तो दोस्तों, अब मैंने आपको पूरा चीज़ बता दिया और अब हम लोग चलेंगे घर। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे मित्र कुछ बोल रहे हैं, उनको भी ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिए। कभी कभी बोले इस मंदिर भी आ जाया कीजिए, इसमें भी चांस मार के देखिए अगर लग जाए। वैसे तो बाबा मंदिर में पूरा भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है वहाँ परेशान हो जाते, इसलिए एकदम शॉर्टकट में ही मंदिर हमको लगा बहुत अच्छा है, और यहाँ चांस मार के देखेंगे तो हो ही जाएगा।